अगर कभी भी आपको लाइफ में कोई आके पूछे दैट विच इज़ दैट वन प्लेस यू शुड विजिट वंस इन योर लाइफ टाइम, उनको आप सिर्फ एक लाइन बोलना, जी ले लद्दाख। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। अभी हम लोग रुके हैं एट होटल सिल्कवे। दिन की शुरुआत हमेशा होती है विद ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग आते हैं, लगेज रखते हैं बैग में, सोनम भाई हेल्प करते हैं और हम लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं सेट करने में सामान। तो आज के पर्टिकुलर राइड में मैंने इनर भी पहन लिया है एंड अभी खाली अपर बॉडी का इनर पहनना है, जैकेट वैकेट लगा के वी आर ऑल सेट टू लीव। लेडीज एंड जेंट्स, वी आर गुड टू गो। अभी पहला स्टॉप रहेगा अपना पेट्रोल पंप है, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। तो ले की गलियों से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जिस हिसाब से ट्रैफिक मुझे दिख रहा है इधर एंड पार्किंग दिख रहा है, ले मेरे हिसाब से बहुत क्राउडेड है। अभी टाइम फॉर रिफ्यूलिंग एंड मैं जब भी रिफ्यूल कराता हूँ ना ऐसे, तो ये मुझे टैंक बैग पूरा निकालना पड़ता है एंड अगेन आई हैव टू फिट दैट। तो ये मसला होता है हर बार टैंक बैग के साथ। ग्रुप के तमाम लड़कों ने फ्लैग्स लगा दिए हैं, एवरीवन हैज़ बीन रिफ्यूल्ड और अपना बैकअप व्हीकल भी रेडी हो गया है। आज रात को हम लोग रुकने वाले हैं हुंदर में, खारदुंगला 18,000 फीट। देखते हैं क्या सीन रहता है। पलाश ने तो डायमॉक्स भी नहीं लिया, उसको अपनी एंड्योरेंस टेस्ट करना है। आज हमें बोला गया है दैट सब लोग लाइन में फॉलो करेंगे बिकॉज जो अपना रूट है वो बहुत नैरो है, बिकॉज हम लोग नुब्रा जाने वाले हैं वाया खारदुंगला। आज का हमारा किलोमीटर रन अगर आप देखो तो इट इज ओनली 130 किलोमीटर जो आज हम कवर करने वाले हैं। रोड यहाँ के ऐसा सिंगल लेनी है, स्पेशली टर्निंग पे हम लोग को केयरफुल थोड़ा रहना पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि सिंगल लेना है लेकिन ऐसा हर एक 100 मीटर 200-300 मीटर पे ऐसा एक साइड पे स्पेस दिया है जाकि कोई अगर इमरजेंसी हो तो बंदा रोक पाए और पीछे जाम ना लगे। लुक एट द व्यू, रोड जा रहे हैं माउंटेनों के बीच में से। अभी 27 किलोमीटर्स है यहाँ से खारदुंगला टॉप, और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है। इट इज़ नॉट अ रैली, एन्जॉय द वैली। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की लद्दाख में कि इन लोगों ने जो भी साइन बोर्ड्स रखे ना कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट रखे, मतलब जहाँ ऐसा लिखा होता है ना डू नॉट डू दिस तो पब्लिक करती है, लेकिन मैंने जहाँ भी साइन बोर्ड्स देखे डू नॉट नॉट ऐसा कुछ किधर लिखा ही नहीं था। बहुत ही फिलोसॉफी तरीके से बताया गया है, कॉशन एंड केयर मेक एक्सीडेंट रेयर। देखो ये बाइकर्स आ रहे हैं ऊपर से खारदुंगला टॉप क्रॉस करते हुए। तभी एक छोटा सा स्टॉप लिया है हम लोगों ने, फोटो सेशन चल रहे इधर, तो हम सब लोगों ने बाइक साइड पे लगा दी है। बस ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, अभी ऊपर के लिए बचा के रखो। सो लेडीज एंड जेंट्स, और एक चेक पोस्ट आ गया है, आई थिंक दिस इज द फाइनल चेक पोस्ट फॉर खारदुंगला। हम लोग इधर ग्रुप में खड़े हैं एंड व्हाट आई ऑब्जर्व ऑन माई राइट, ये सब प्लास्टिक की बॉटल्स क्यों फेंकते हो? फेंकना नहीं चाहिए, सब लेके जाओ नीचे, फिर डस्टबिन में जाके खुद फेंक दो, गाड़ी में रख के रखो या फिर बाइक में आ रहे हो तो बैग में डाल के रख के रखो। पुलिस चेक पोस्ट साउथ पुलू, और हमारे आगे है श्री। बड़ी यूनिक टेक्निक यूज करते हैं, बॉटल को पीछे लगा दिया है, साइड में दो मूंग दाल, तो इसलिए हम लोगों ने उनका नाम एक्रोबैट रखा है। दूर से हम जब भी देखते हैं उनको खड़े होकर बाइक चलाते हुए तो एक्रोबैट। और मैंने सनग्लासेस अभी लगा ली है बिकॉज आँख में बहुत स्ट्रेन आ रहा था मेरे को, सो अभी थोड़ा कूल एनवायरनमेंट लग रहा है। जैसे अपन कैमरा में एनडी फिल्टर लगाते हैं वैसे अपने आँखों के लिए अपने चश्मे लगा दिए। अभी इस हाइट पे आके हमें फील हो रहा है दैट ऑक्सीजन थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है, और बहुत लोग सोचते थे ड्यूअल राइडर में
यू कैन नॉट राइड ऑन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, गाड़ी खींचेगी, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग स्पीड में चला भी नहीं सकते क्योंकि ठंड इतनी लग रही है सामने से। फाइनली आई थिंक वी हैव रीच्ड खारदुंगला, खारदुंगला टॉप, and it's good to be here. Hi everyone, my name is Palash. Currently we're okay. coming to you from 18,000 feet at Khardungla. For those of you who still think that Ladakh, Kargil and all this is a challenge, it's really not. There's only one thing you require, and that's discipline. The only reason I came to this trek was to test my own endurance. Haven't taken any altitude sickness medication. Hoping for the best. सब लोग लगे बड़े फोटो खींचने के लिए। पलाश और श्री, आप लोग को चांस मिला फोटो खींचने का? नहीं मिला? Yeah, मिल गया चांस यार। She got my WhatsApp DP for the next 6 months. बोर्ड पे लिखा गया है that 20 मिनट से ज्यादा आप इधर रुक नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लो। तेरे को फील हो रहा है ऑक्सीजन? उतना तो नहीं हो रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था, बट हाँ थोड़ी बहुत सांस फूल रही है और चढ़ाई करते समय तो पता चल रहा है। हवा यहाँ पे इतनी ठंडी है, नाक जलने लगती है। ऑक्सीजन अगर कम होगा तो फिर ऐसा पीछे कुछ देख रहे हो ना आप, ऐसा कुछ लेवल हो जाता है। The sun is going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it out, skip the innocence. So ladies and gents, boys and girls, अच्छे फोटोज खींचने के लिए हम लोगों ने थोड़ा जैकेट वैकेट साइड पे रखा है। 10 मिनट हुई हमारी एंड हमारी फट गई है एंड हाथ तो बिल्कुल जम गए हैं। एक बंदा था शायद, उसको शायद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया एंड उसको हेडेक हो रहा है एंड शायद बेहोश हो गया, तो उसको बैकअप व्हीकल में डाल के उसको भेज दिया गया है नीचे। अभी हम लोग बैकअप कर रहे हैं एंड हेडिंग डाउन। सो फाइनली खारदुंगला, जो हर राइडर का एक ड्रीम रहता है, हमने अचीव कर दिया इन आर फर्स्ट राइड। तो अभी थोड़ा धीरे से जाना पड़ेगा क्योंकि स्नो वाला पानी है ना, तो स्लिप खाने का चांस है। व्यू तो भाई क्या गजब व्यू है ना इधर। अभी लग रहा है उतर रहा हूँ मैं स्नो के वैली में से। ऊपर चढ़ते वक्त उतना स्नो नहीं था, बट उतरते वक्त बहुत स्नो है इधर। हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर रुके थे एट खारदुंगला। ये आ गई वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, मजा आ गया। ट्रस्ट मी, अगर किसी को बाइक आती है लेकिन वो ऐसे कभी राइड में गया नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि बहुत डिफिकल्ट राइड है। बहुत सिंपल है, आप रूल्स फॉलो करते रहो एंड यू विल मेक इट। ये अपना एक साथी रुके हैं एवेंजर वाले भैया, ऑल गुड, एवरीथिंग गुड। सो अभी हम लोग रुके हैं नॉर्थ पुलू, टीम के तमाम मेंबर्स भी इधर है। साउथ पुलू से हम लोग ने चढ़ाई की थी और उतरते वक्त ही है नॉर्थ पुलू। और अभी हम लोग इधर अपना लंच करने आए हैं। खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है हम लोगों ने? मैगी ऑर्डर किया है कि सबका मैगी है? सबका मैगी। और सबका इंट्रोडक्शन अभी लेंगे एक करके। मैं देव को काम लिया, गुजरात का हूँ, भावनगर से रहता हूँ। मेरा नाम मनराज है, मैं गुजरात से हूँ और यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मेरा नाम नमन भाव सर, मैं इंदौर MP से हूँ। मेरा नाम कामल यारे से, मैं भावनगर से हूँ। मेरा नाम दिगपाल सिंह वाघेला है, मैं भी गुजरात से ही हूँ, पूरा ग्रुप साथ में। एक बात यह है कि ये यहाँ घूम के आर्मी वालों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट बढ़ गई है। मतलब ये सब जो हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत है, तो हैट्स ऑफ भाई साहब। खतरनाक ऑफ रोडिंग है तो। We have almost reached Khardung. All the chance! Yes, sir! All the chance! Yes, sir! All the chance! Yes, sir! Give it up, boys! I got all that I need. No need to apologize. No, we won't waste any more time. Yeah. I am all that I need. No need to apologize. No, we won't waste any more time. तो कच्चे रोड खत्म होने के बाद, ऑफ रोडिंग करने के बाद पक्के रोड्स आर बैक, जिसके लिए ले जाना जाता है। बस अभी तो हम लोग नीचे आ गए, तो अभी कुछ इशू नहीं है ऑक्सीजन का और अभी टेम्परेचर भी ठीक है, तो इतना ठंड नहीं लग रहा। जब भी हम लोग शाम को बाइक चलाते हैं पता नहीं एनर्जी अचानक आ जाती है और हमको खींचने का मन करता है बाइक्स को। तो आई थिंक वी हैव ऑफिशियली एंटर नूबरा वैली। नूबरा वैली एंटर होते ही वी हैव टू हेड टूवर्ड्स होंदर। बिफोर वी अप्रोच होंदर देर इज अ स्ट्रेट लॉन्ग पैच ऑफ ब्यूटिफुल रोड। इधर जो फील था राइडिंग का, स्पेशली टेस्टिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ योर बाइक, इट वॉज रियली इनसेन।
सो वेलकम टू सैंड ड्यून्स, हुंडर के सैंड ड्यून्स में आपका स्वागत है। इधर क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो? सबसे पहले ऐसा स्पॉट ढूंढो जहाँ कोई पब्लिक ना हो। सेकंड, यू कैन डू कैमल राइड। यहाँ के बहुत फेमस डबल हम्प वाले कैमल्स आते हैं, सो यू कैन टेक अ राइड। और तीसरा जो हम लोग कर रहे हैं वो आप करिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज इट। आज का दिन हम इधर एंड कर रहे हैं। और भाई लोग, बहुत मेहनत लगी आज के शॉर्ट्स लेने में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, अभी इतना बोला है तो।